आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज के बारे में। जैसा हमने आपको बताया था कि सरकारों के दो स्तर के बारे में हमने पढ़ा था, एक संघ स्तर की सरकार हो गई, एक राज्य स्तर की सरकार हो गई। पूरा संघ स्तर की सरकार को हमने पढ़ा, राज्य स्तर की सरकारों को भी पढ़ा। ऐसे भी फिर बात आती है कि जो स्थानीय स्तर की सरकारें हैं, 243 वो है, वो पर ऑरेंज होता है ना, क्या हुआ संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 स्थिर रखी गई एक प्रकार से, तो इसको सब आर्टिकल के रूप में शामिल किया गया, ABCDEFG ऐसे करके ना, लगभग 18 अनुच्छेद इससे संबंधित है। 444-48 देता है, कुछ टुटपुंजिया टाइप के लेखक हैं वो काम करते हैं, ठीक है। वो अगर ऐसा आता है तो 444-48 आता है तो आप लगा दीजिएगा, लेकिन जहाँ 395 रहेगा आप उसको ही लगाएंगे, ठीक है। मूल रूप से 395 ही गिना जाता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना यहाँ पर विधि की जरूरत से ज्यादा जानकार बन जाते हैं। तो आप देखेंगे क्या होता है कि हमने दो स्तर की सरकारों की बात की, संघ और राज्य की। ऐसे ही जरूरत पड़ती है कि स्थानीय स्तर की भी सरकारें होनी चाहिए। तो जब मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जब आपका देश आजाद होता है तो ऐसी स्थितियां नहीं थी कि अब स्थानीय स्तर पर शासन उनको दें और शक्तियां सौंपें। तो शुरुआत में तो केंद्रीकरण की शक्ति रहती, दो शब्द आते हैं आपके पास, एक केंद्रीकरण और एक विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का एकत्रित होना एक जगह पर, और विकेंद्रीकरण का होता है शक्तियों का बंटवारा। तो जो पंचायती राज है वह विकेंद्रीकरण का प्रतीक है, मतलब आप शक्तियों का बंटवारा स्थानीय स्तर पर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि शुरुआत में तो विकेंद्रीकरण नहीं किया गया, क्योंकि योजना आयोग जैसी संस्था आ रही, योजना आयोग खुद ही अपने आप में प्रतीक है केंद्रीकरण का, मतलब 4-5-10 लोग हैं जो पूरे देश के लिए योजनाएं बना रहे हैं ना। तो होता क्या है कि 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम मतलब कि कैसे समुदाय के स्तर पर डेवलपमेंट किया जाए, फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से चला जाता है। फिर 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम चलाया जाता है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। अच्छा, पंचायती राज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आपसे जुड़ा हुआ है, आपके गाँव आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, मतलब टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायती राज जैसे आधुनिक एक प्रकार से अवधारणा है, 1993 में संविधान संशोधन आता है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता क्या है कि ये दोनों कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो विशेष प्रगति कोई नहीं होती गांव के स्तर पर। तो इनकी जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की जाती है। समितियों का नाम याद रखना है आपको, बलवंत राय मेहता समिति गठित की जाती है, बलवंत राय मेहता समिति गठित की जाती है। और इसने मुख्य रूप से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन किया कि आप शक्तियों का बंटवारा कीजिए, और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की, मतलब शक्तियों का जो बंटवारा है वह तीन स्तर पर कर दिया जाए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे ना, एक आपकी ग्राम पंचायत हो जाता है, एक पंचायत समिति जिसे मध्यवर्ती पंचायत कहा जाता है, जो BDC नहीं होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, जो 6-5 सदस्य होते हैं उसको मिलाकर, मतलब एक ग्राम के स्तर पर, एक मध्यवर्ती स्तर पर जिसे ब्लॉक कहा जाता है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, जिला परिषद जिसे कहा जाता है। तो इसको देखते हुए 1959 में इस समिति की सिफारिश 1958 में आई, 1959 में राजस्थान के, यह मतलब यह क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने बहुत लोगों को तबाह किया, इतना ज्यादा पूछा जाता है, अब तो कम हो गया है, ठीक है। राजस्थान के नागौर में, मतलब सबके जबान पर रहता है, राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। किसने किया? नेहरू जी ने किया, भले ही न पता हो पंचायती राज क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं सब, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर, मतलब राजस्थान के नागौर में उन्होंने उद्घाटन किया, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में, ठीक है, किस ग्राम 59 में, 58 में तो कमेटी की रिपोर्ट ही आती है, ठीक है, काम नहीं। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ किया,
दूसरे स्तर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में यही तीन चीजें होती हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए, उसके आधार पर राजस्थान और आंध्र प्रदेश में गठन किया जाता है और राज्य धीरे धीरे इसको अपनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया जाता है कि उसका गठन करना बाध्यकारी ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देश की परिस्थितियां देखें, 1960 उसके बाद 1962 में क्या हो जाता है, चाइना से वार हो जाता है, चाइना से युद्ध हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 65 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है, दूसरा आंध्र प्रदेश में 1960 के आसपास, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखेंगे मतलब कि युद्ध की स्थितियां आ रही हैं और भारत में भुखमरी जैसी भी समस्याएं हैं 1960 के दशक में। उसके बाद जो नेतृत्व आता है इंदिरा गांधी के पास आता है और इंदिरा गांधी का जो नेचर है वह केंद्रीकरण का प्रतीक है, वह बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है। युद्ध जैसी स्थितियों में आप विकेंद्रीकरण कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतने संसाधन है भी नहीं, तो ये सब मामला ठप पड़ जाता है, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद 1977 में क्या होता है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, इसको आपने सुना ही होगा, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते हैं ना। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया, अशोक मेहता समिति, ठीक है। अशोक मेहता समिति की जो मुख्य संस्तुतियां थी, अशोक मेहता जो समिति थी उसने उसका गठन 77 में किया गया, उसके सदस्यों के बारे में मैंने देते हैं, 78 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में 1978 में इसने अपनी रिपोर्ट दिया और इसकी जो खास बातें जो संस्तुतियां एक दो पूछी जा सकती हैं, इसकी जो सिफारिश में था, इसमें बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की, लेकिन अशोक मेहता जो समिति है वह द्विस्तरीय पंचायती राज की बात करती है, क्या द्विस्तरीय, ठीक है, एक मंडल स्तर पर एक जिला स्तर पर, ठीक है। और उसने कहा पंचायतों का जो कार्यकाल है, जो महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं उसको मैं एक दो बता दे रहा हूं, पंचायत का जो कार्यकाल है यह 4 वर्ष होना चाहिए, 4 वर्ष होना चाहिए पंचायतों का कार्यकाल, 4 वर्ष होना चाहिए। उसके अलावा उसने कहा कि न्याय पंचायतों का भी गठन किया जाना चाहिए, न्याय पंचायतों के बारे में आपने सुना होगा, आपके 4-5-10 गांव में मिलाकर एक न्याय पंचायत भी होती है, ठीक है। और उसने कहा कि जो पंचायतों का चुनाव होता है वह दलगत आधार पर होना चाहिए, मतलब दलों को भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद जो तीसरी रिपोर्ट आती है, मतलब तीसरी जो कमेटी गठित की जाती है वह 1985 में, जैसे देखिए 78 में, फिर 80 में जनता पार्टी सरकार चली जाती है, 80 में इंदिरा गांधी आती है, 80 से 85 तक फिर इंदिरा गांधी है, तो विकेंद्रीकरण का कोई प्रयास नहीं होता है। 84 में उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद राजीववादी प्रधानमंत्री है, तो 85 में जी वी के राव समिति गठित होती है, जी वी के राव समिति, जी वी के राव समिति, इसकी भी अपनी सिफारिशें हैं, इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1986 में एल एम सिंघवी समिति गठित होती है, 1986 में एल एम सिंघवी, लक्ष्मी मल सिंघवी का पूरा नाम था, एल एम सिंघवी समिति। यह समिति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, मतलब संविधान में उनको एक प्रकार की एक स्तर की सरकार के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये बात तो अशोक मेहता समिति ने भी कही, हाँ अशोक मेहता समिति ने भी कही थी। दरअसल हुआ क्या, 73वां जो संविधान संशोधन, पहले 63वां और 64वां लाया गया, इसको फॉलो करने की कोशिश हुई। 73वां जो संविधान संशोधन है ज्यादातर आधारित है बलवंत राय मेहता समिति पर, अशोक मेहता समिति पर, एल एम सिंघवी समिति पर, जो 73वां संविधान संशोधन है वह एल एम सिंघवी समिति की सिफारिशों पर ज्यादा आधारित है। सबसे पहले अगर संवैधानिक दर्जे की मांग की तो आप अशोक मेहता समिति बताइए, ठीक है। उसने फिर ये सब बातें बताई कि करारोपण का पर्याप्त अधिकार मिलना चाहिए पंचायतों को, मतलब वो कैसे टैक्स इकट्ठा करें। उसके बाद वित्त आयोग का गठन होना चाहिए, ठीक है। उसने जो दलगत आधार पर अशोक मेहता समिति ने कहा था उसको उसने खारिज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब सिफारिशें आती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, 1987 में एक आती है पीके थुंगन समिति, 1987 में पीके थुंगन समिति,
ऐसे क्वेश्चन क्या पूछता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है। तो ये समितियों को मतलब इम्पोर्टेंट तो तीन है, एक है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, एलएम सिंघवी, ठीक है, लेकिन एवी जी वी के राव, टी के थुंगन और बाद में एक शादी कली समिति भी होती है वो भी इससे संबंधित है। तो इस प्रकार की जो समितियां आती हैं और कहने को तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी और तमाम जितने भी कमीशन है उन लोगों ने भी सिफारिशें की थी। उसके बाद फिर क्या होता है, इन सिफारिशों के पश्चात शुरुआत में तो राजीव गांधी की सरकार खुद ही संवैधानिक संशोधन बिल लाती है लेकिन वह पारित नहीं हो पाता है पूर्ण रूप से। उसके बाद 1992 में 73वां संविधान संशोधन आता है और एक 74वां संविधान संशोधन आता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को मतलब पंचायतों को आपको संवैधानिक दर्जा मिलता है और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, इनको संवैधानिक दर्जा मिलता है। तो हम देखते हैं कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन में क्या खास बातें हैं, उन्हीं को हम लोग देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसके माध्यम से पंचायती राज को क्या मिल जाता है, संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। क्या हुआ, 92 में लाया गया बिल, 93 में पूर्ण रूप से पारित हो गया, मतलब अंतिम रूप से हस्ताक्षर जो हुआ 93 में। तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच में शामिल किया जाता है पंचायती राज के बारे में। ठीक है, पंचायती राज का मतलब यह है कि अब निचली स्तर की जो पंचायतें हैं उनको भी संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, उनको अधिकार दिए जाएंगे। तो उसमें दो प्रकार के प्रावधान किए गए जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दो प्रकार के प्रावधान किए गए, एक अनिवार्य, ठीक है, एक अनिवार्य प्रावधान किए गए, एक ऐच्छिक प्रावधान किए गए। अनिवार्य का मतलब है कि ऐसा आपको करना ही होगा, मतलब जो राज्य की सरकारें हैं मतलब केंद्र सरकार का ये निर्देश है, वो अधिनियम का भी निर्देश है कि आपको ऐसा करना ही है। और ऐच्छिक प्रावधान का मतलब है आपकी इच्छा के ऊपर है, आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। तो अनिवार्य प्रावधान में कुछ अनुच्छेद संबंधित है, उन्हीं के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले लिखे अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं, अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं कहने का मतलब ग्राम क्या होगा, ग्राम सभा क्या होगी और ग्राम पंचायत क्या होगी। ठीक है, परिभाषाएं जैसे ग्राम, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, कोई बताएगा कि अंतर क्या होता है इनमें? ग्राम सभा, ग्राम 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 सभा और ग्राम पंचायत में क्या मतलब होता है इन सब? ग्राम सभा में छोटे छोटे दो तीन गांव भी होते हैं, नहीं अलग अलग होते हैं, और जो वार्डों के मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत बनाया वार्ड तो नगर पंचायत कम होते हैं, वार्ड नहीं, क्या बोलते हैं, सदस्य छोटे छोटे ग्रामों को शामिल हुए ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ग्राम पंचायत कई गाँव को मिलाकर, कई गाँव मिलाकर। और क्या, और कोई बताएगा? आप लोग लगभग ज्यादातर लोग गाँव से आते होंगे ना, भारत 80% भारत तो गांव में ही बसता है। कुछ सर ट्राई कर रहा हूँ, कुछ व्यक्तियों को मिला के मतलब 1000 तक की जिनकी संख्या है उनसे ग्राम बनता है और उन्हीं ग्राम में सदस्य, उन्हीं ग्राम में कुछ व्यक्ति मिलके जो पंचायत बनाते हैं वो शायद ग्राम सभा कहलाता है और सब मिलके 1000 से कम आबादी वाले गाँव को सदन के और सदस्यों को भी बताने दीजिए, आप लोगों की बात और भी लोग बताइए, आप लोग कुछ बोलेंगे? ये सब तो सुने सुने लग रहे होंगे ना, सुना सुना तो नहीं लग रहा होगा। और जानते हैं कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब निचले स्तर के एग्जाम में नहीं, जैसे सिविल सर्विस मैंने देखा है कई बार पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, क्या जैसे कूट वाला प्रश्न नहीं आता है उसमें एग्जैक्टली पूछा जाता है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, किसी को नहीं पता, जैसे देखेंगे इसमें होता क्या है, सिंपल वे में हम समझ लेते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ग्राम का मतलब होता है कि जितने भी गांव के सभी सदस्य हैं, कोई भी जो गांव है। ग्राम सभा का मतलब होता है जो पंजीकृत मतदाता होते हैं उस ग्राम के, चाहे वह कई गांवों को मिलकर बना हो चाहे एक गांव। ग्राम सभाएं जैसे ग्राम सभा का जो चुनाव होता है कई गांव मिलकर भी होते हैं, कभी कभी एक ही गांव रहता है, कभी तीन गांव है, कभी दो गांव है, ऐसा रहता है ना। तो ग्राम सभा में जितने भी पंजीकृत मतदाता है वो सभी आ जाते हैं, जो मतदाता नहीं है उनको नहीं लिया जाता।
ग्राम पंचायत में आप देखेंगे कि जितने भी सदस्य होते हैं, वार्ड के जो मेंबर नहीं होते हैं, ग्राम प्रधान और जितने सदस्य होते हैं मिलकर जो बनते हैं वह ग्राम पंचायत होते हैं। बात समझ रहे हैं ना, मतलब जितने सदस्य होते हैं वो ग्राम पंचायत होती है, जितने पंजीकृत मतदाता होते हैं ग्राम सभा, और ग्राम में पूरा आ जाते हैं सब लोग जितने भी सदस्य हैं। तो ये सारी चीजें, तो उसमें हाँ मतलब सदस्य हो जाएंगे और प्रधान तो होगा ही। तो इन सब की परिभाषाएं सब दी हुई है, हम अनिवार्य प्रावधान कुछ लिख लेते हैं। ग्राम पंचायत का मतलब होता है कि कोई भी जो मीटिंग होगी, जनरली आप देखते होंगे जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे लोग से मिलकर मीटिंग होती है। पंचायत का मतलब नहीं होता है कि पांच लोग मिलकर कोई निर्णय लेते हैं, दस लोग मिलकर निर्णय लेते हैं। आज ही तो ये है, अरे प्रधान के साथ सदस्य चुने जाते हैं ना, ग्राम प्रधान के साथ 8-10-15 सदस्य होते हैं। व्यवहार में नहीं होता है ना, व्यवहार में चुनाव तो होता है, लेकिन सदस्य का दोनों का चुनाव होता है। यहाँ बड़ी बात, चुनाव तो नहीं हो रहा है, जो संवैधानिक प्रावधान उसको समझिए आप लोग, ठीक है। क्या होता है, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि वही आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है तो मगर सब बातें झूठी हैं, सब वादा किताबी है। तो आप देखेंगे क्या होता है कि परिभाषाओं में अगर आप देखेंगे कि पंचायत जो ग्राम पंचायत होती है उसमें सारे वो सदस्य होते हैं, ठीक है, और उसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं कि कैसे 3 महीने में बैठक करनी है, जो भी निर्णय लेने होंगे उनको प्रधान को हटाने का भी अधिकार होता है, ये सारी चीजें होती हैं। आप लोग जब सजग नागरिक नहीं है तो हम क्या करें उसमें, ठीक है। तो अनिवार्य प्रावधान हम लोग लिखते हैं, भैया बताइए तब ना। एक तो आईटीआई करना होगा तो लोगों की हालत खराब हो जाती है, ठीक है। अनिवार्य प्रावधान में लिखिए अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का गठन करना, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का गठन करना, अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा का गठन करना। 243 ए से ओ तक हमें पहुंचना है ना, तो 243 ए में ग्राम सभा का गठन करना, इसका मतलब ये अनिवार्य प्रावधान है। सभी राज्यों में राज्यों को यह निर्देश है कि आप ग्राम सभा का गठन करेंगे। देखिए 243 डी लीफ आई डाक होता है ना, तो 243 डी लिखिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए या SC ST के लिए, ऐसे कर लीजिए SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, ठीक है। उसके बाद लिखिए 243 ई 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल, 243 ई 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल, मतलब उनका भी कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा, और अगर उसका विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराना पड़ता है, ठीक है। और 243 आई वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अभी आप देखेंगे 280 पहुंचेंगे तब भी वित्त आयोग है, यहाँ पर राज्य क्या करेंगे, वित्त आयोग का गठन करेंगे, वह देखिएगा कि पंचायतों को कौन से टैक्स के और तमाम अधिकार कैसे दिए जाए, ठीक है। उसके बाद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, हाँ राज्य निर्वाचन आयोग का, राज्यों में एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा जो पंचायतों का चुनाव कराने का कार्य करेगा, ठीक है। ये सब तो हो गए अनिवार्य प्रावधान हो गए, और आप जानते हैं कि और लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष में आप नहीं 25 नहीं है 21 वर्ष, वह लोकसभा और विधानसभा का 25 वर्ष, आप हो गए होंगे अब, आ जाइए मैदान में, ठीक है। तो 21 वर्ष क्या होता है चुनाव लड़ने के लिए आपका होता है। उसके बाद कुछ स्वैच्छिक प्रावधान है, स्वैच्छिक प्रावधान मतलब राज्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप जो ओबीसी जातियां होती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान आप कर सकते हैं, ठीक है। और स्वैच्छिक प्रावधान में ही महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की जो बात की गई है,
वो भी आप प्रावधान कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें एक बात और लिखिए, केंद्र सरकार ने 1994 में नीचे लिखी, अभी सब बातें हो गई ना, केंद्र सरकार ने 1994 में दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन किया, केंद्र सरकार ने 1994 में दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन किया, दिलीप सिंह भूरिया, दिलीप सिंह भूरिया, और दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन इसलिए किया गया कि कैसे जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें पंचायती राज का गठन किया जाए, कैसे पंचायतों का विस्तार किया जाए। तो यहाँ पर लिख लीजिए, दिलीप सिंह भूरिया समिति का जो गठन किया गया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज, अनुसूचित क्षेत्र का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना, संविधान के अनुसूची 4 और 5, 4 में तो राज्यों राज्यसभा के सदस्यों की बात की गई है, 5 में कैसे विस्तार किया गया, 5 और 6 में दिया है ना, अनुसूचित क्षेत्रों में कैसे राज्य, कुछ क्षेत्र हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का, तो उन अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का कैसे विस्तार किया जाए उसके लिए है। और इसके लिए सरकार 1996 में पेशा अधिनियम लाती है, एक है पेशा अधिनियम, PESA 1996, उसको 96 कहा जाता है, 96 नहीं कहा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ के लोग क्या 5 को पान कहते हैं, ठीक है। तो 96 में क्या होता है, पेशा अधिनियम आता है, इसका मतलब है प्रोविजन ऑफ द पंचायत, ठीक है, प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पेशा अधिनियम मतलब कैसे शेड्यूल एरियाज में आप इसका एक्सटेंशन करेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी पंचायती राज से।